जो 5 मिनट में 5 मिनट में विश्व सोरैया नहीं बोल सकते, अब वो NPR आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक मंदी, ये हो, राहुल बाबा से पूछिए बैंकॉक के बारे में, वो बैंकॉक के बारे में डिटेल अच्छा से बताएंगे कि बैंकॉक का फ्लाइट का टिकट का कितना प्राइस है, कब आना है, कौन सा केबिन में बैठेंगे तो कितना आराम मिलेगा, इनको कैसे पता है। आलू से सोना बनाते हैं, अलग है बात करने की अर्थव्यवस्था खराब है, NPR पर टैक्स हो रहा है, उनको पता है कि NPR क्या है? NPR इन्हीं की कांग्रेस गवर्नमेंट ने लेके आई थी। ओवैसी की क्या औकात? ओवैसी की क्या औकात? अरे आर्मी के पैरों के धूल के बराबर ओवैसी नहीं है। मुंह देखा है सर? मुंह ऐसा कुत्ता भी नहीं चाटे। वो रिप्रेजेंट करता है मुसलमानों को, ठेकेदार बना है मुसलमानों का। वो हैदराबाद से बाहर निकल के एक बार सड़क पे घूम ले, लोग उसकी औकात बता देंगे कि वो है क्या। देश के वजीर आजम के बारे में ममता बनर्जी ने क्या कहा था? छी 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 छी। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, ममता बनर्जी आथू, ममता बनर्जी आथू, ममता बनर्जी आथू। क्या NPR को आप जोड़ रहे हैं किसी से भी? हल्दीराम को भुजिया है क्या डाल दिया किसी में, पैक मैगा पी लिए, बोल दिए? अरे देखिए, एक रेपुटेड चैनल है YouTube का ये, और इनको देख रहे हैं, पूरा दुनिया देखती है, आप उसमें भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। NPR अलग है, CA अलग है, कैब अलग है, जल्दी जल्दी नहीं, जल्दी जल्दी नहीं, जल्दी जल्दी नहीं, वो सब पे काम हो रहा है, सब पे काम हो रहा है, सब पे काम हो रहा है, लेकिन 14-15 हज़ार सैलरी होनी चाहिए, उनको 9,000 रुपए दे रहे हैं। उसके लिए मंत्रालय बनाया गया है, अगर उसके लिए मंत्रालय बनाया गया है, कंपनियां बंद कर दी इन्होंने। NPR को लेकर राहुल गांधी कहते हैं गरीबों के ऊपर टैक्स है, क्यों मुझे बताइए? NPR NPR को लेकर राहुल गांधी कहते हैं कि ये गरीबों पर टैक्स है, कैसे बताइए आप मुझे? ये इसके सही है क्या गलत है? सही है या गलत है? सोरैया नहीं बोल सकता, जो आदमी विश्व सोरैया नहीं बोल सकता, वो NPR के बारे में पूछ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछ रहा है। जो 5 मिनट में 5 मिनट में विश्व सोरैया नहीं बोल सकते, अब वो NPR आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक मंदी, ये हो, राहुल बाबा से पूछिए बैंकॉक के बारे में, वो बैंकॉक के बारे में डिटेल अच्छा से बताएंगे कि बैंकॉक का फ्लाइट का टिकट का कितना प्राइस है, कब आना है, कौन सा केबिन में बैठेंगे तो कितना आराम मिलेगा, इनको कैसे पता है। आलू से सोना बनाते हैं, अलग है बात करने की अर्थव्यवस्था खराब है, NPR पर टैक्स हो रहा है, उनको पता है कि NPR क्या है? NPR इन्हीं की कांग्रेस गवर्नमेंट ने लेके आई थी 2012 में, और अब गलत हो गया, और पीछे भाई साहब कान फूंक रहे हैं मेरे तरफ, आर्थिक मंदी है, आर्थिक मंदी है। कौन सा आर्थिक मंदी है यहाँ पे? कौन सा आर्थिक मंदी है? आपको आपको कैमरामैन से बोलता हूँ, सब अपना अपना फोन दिखाओ, सबके पास एप्पल फोन पड़ा हुआ है, ये क्या आर्थिक मंदी पड़ा हुआ है? सब देखिए, आर्थिक मंदी पड़ा होता, आर्थिक मंदी पड़ा होता, लोग स्वेटर नहीं पहने, सब लोग जैकेट पहने, सब लोग पहने हुए हैं, आर्थिक मंदी पड़ा हुआ है। अरे मानसिक मानसिकता में ही गिरी हुई है कि आर्थिक मंदी गिरी हुई है, GDP गिरी हुई है। पाकिस्तान कहता है कि CA लाके मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है भारत में, जहाँ पर और वहाँ पे जो खिलाड़ी है पाकिस्तान के, दानिश कनेरिया, उन्हें खिलाड़ियों के साथ खाना नहीं खाने चाहिए, उनके साथ इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, यहाँ पे हमारा अधिकार का। देखिए 1947 में विश्वास करके हमने एक बहुत बड़ा परसेंटेज हमने पाकिस्तान को दिया था मुसलमानों को, जिसमें चले गए थे पाकिस्तान में, आज कितना परसेंटेज है? अब 1% है, 1.something% है, और वो बोल रहा है कि हमारे मुसलमानों को, हमारा कौन सा मुसलमान, तुम्हारा मुसलमान तुम्हारे तरफ है, और तुम्हारा मुसलमान कौन सा है? हाफिज सईद है, उसके तलवे चाटो, हमारा मुसलमान मत बोलो, तुम्हारा मुसलमान अलग है, हमारे देश के मुसलमान अलग है। और जो कुछ छुड़भैया भैया लड़के हैं वो बांग्लादेश के हैं, रोहिंग्या हैं, जो हमारे देश में आके पले बड़े हैं कांग्रेस के राज में, और आज हमें को काटने को दौड़ रहे हैं, आज हमें काटने को दौड़ रहे हैं। हमारे किसी भी देश को मुसलमान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भ्रमित किया जा रहा है। और मैं आपको एक एजेंडा बता दूं, जामा मस्जिद के पावन धरती से आज अलका लम्बा क्या कर रही थी? नमाज पढ़ के सारे मुस्लिम भाई बाहर निकल के
उनके उनके धार्मिक गुरु उनको शिक्षा दे रहे हैं और वहाँ जाके भ्रमित कर रही है। क्या जरूरत है तुम्हें वहाँ जाने के लिए? तुम आवाज पढ़ती हो? अमतुल्ला खान, अमतुल्ला खान क्या बोल रहा है कि मुसलमानों के दाढ़ी काट दिए जाएंगे, कैप हटा दिए जाएंगे। देश के वजीर आजम ऐसा नहीं है। देश के वजीर आजम हमेशा से सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, और ये आदमी लोग बोलते हैं, ये इमरान खान क्या बोलता है कि क्या नाम है हमारे देश के मुसलमान। अरे सठियाया हुआ आदमी है, उसके कुछ एजेंट है यहाँ देश में, ओवैसी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। जैसे कि वहाँ पे दानिश कनेरिया जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, वहाँ पे जो आम पब्लिक है उसके साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा? तो उन्हीं लोगों को यहाँ शरण देने के लिए CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, उसको लेकर भी कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान की भाषा बोलती है कि ये विभाजनकारी है, हिंदू मुसलमान को बांट रहा है, धर्म के आधार पर देश को बांटने की साजिश। क्यों पाकिस्तान जैसी लैंग्वेज बोल रही है? पाकिस्तान जानती है, वो जानती है कि इस देश में कुछ लोग हैं जो यहाँ का न्यूज नहीं देखते, वहाँ का न्यूज देखते हैं। उनको पता है कि हम देश तोड़ना आसान है, वो जानते हैं कि वहाँ से छुटबइये लोग यहाँ पे आए हुए हैं पाकिस्तान से छुपके से और देश तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि हमारे में यूनिटी नहीं है, अगर हमारे में यूनिटी होता तो जामिया जैसा पाप नहीं होता, यहाँ पे JNU में पाप नहीं होता। ये कन्हैया कुमार कौन सा स्टडी करके आया है? स्टडी ऑफ इथियोपिया कौन सा स्टडी है? कौन से भैया मैं पूछ रहा हूँ, स्टडी है ये? वो जानता है कि कुछ ऐसे संगठन हैं, कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी हैं, कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे ऐसे हमारे पैदावार पल रहे हैं और वहाँ के बीज है और यहाँ पैदा होके हमें काटने को दौड़ रहे हैं। वाह क्या बात है। इतना पाकिस्तान एक यूपी जैसा राज्य और हमें काटने को दौड़ रहा है। जानता है वो कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो वहाँ का आटा खा रहे हैं। वो बंद हो गया कनेक्शन ना 370 के बाद, वहाँ से कश्मीर से आता था रास्ता से, सब लोग मिल के चाटते थे। आज पाकिस्तान जा, और दिनेश कनेरिया के बारे में ये तो सब लोग जानता है कि वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ प्रॉब्लम था। वो तो कल शुएब अख्तर ने बोला कि मैं मना करता था कि आप लोग ऐसा मत कीजिए, जो रिप्रेजेंट कर रहा है देश को उसको आप प्रॉब्लम कर रहे हैं, डिश में खाना नहीं देते हैं, मना करते हैं खाने के लिए। दानिश कनेरिया को बोला था ये, वो तो आ गया सामने। लोगों को समझना चाहिए, लोग प्रकांड विद्वान है इस देश में, यहाँ पे भीड़ में प्रकांड विद्वान है। लोगों को पता नहीं है कि उतना बड़ा परसेंटेज से हम 1.5 तक पहुँच गए। क्यों? उनके बेटियों के साथ क्या होता था, हमारे सिख भाइयों के साथ क्या होता था, जैन लोग के साथ क्या होता था, पाकिस्तान के लोग सब लोग जानता है। और सबसे बड़ा वो आदमी है वहाँ पे, एक आदमी जो आँख ब्लिंक करता रहता है और उसके चाटुकार लोग इसमें घूमते रहते हैं यहाँ इस देश में, हाफिज सईद। वो जानता है कि लोग अपना ईमान का चोला उतार के हमारे पास आएंगे, पैसे मांगेंगे, हम देश तोड़ेंगे। सेना प्रमुख विपिन रावत कहते हैं कि जो लोग देश में हिंसा करवा रहे हैं, सरकारी प्रॉपर्टीज में आग लगवा रहे हैं, वो सही रास्ते पे नहीं है। तो उसके बाद असुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि विपिन रावत को अपनी हद में रहना चाहिए। अरे ओवैसी कौन होता है? ओवैसी सटिया गया है, पगला आदमी। आप ही के चैनल पे बोला था ना, जनरल है, आर्मी का जनरल है, और अगर उसको जैसा बोल रहा है वो गली का गुंडा है। वो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां भी दिखाओ बीजेपी ने अपना काम किया है, 5 सालों में ऐसा काम किया है जो कांग्रेस 70 सालों में नहीं कर पाई। अब पढ़ा लिखा कौन है? पढ़ा लिखा वो आदमी है जो 8वीं पढ़ा है और प्रॉपर्टी बचाने के लिए अपने आप पर पत्थर खा रहा है, और अनपढ़ वो हरामी है जो मुफ्त का खाना अंदर खा रहा है हॉस्टल में और बाहर आकर पत्थर मार रहा है, वो अनपढ़ है। पढ़ा लिखा कौन है जो 8वीं पास है, रात को बूट लगाता है, 3 दिन तक जूते लगा के रखता है, आर्मी वाला पुलिस वाला उसके खिलाफ जो बोलेगा वो सबसे बड़ा देशद्रोही है, उसको मारनी चाहिए। हमारे संविधान में हर किसी को बोलने का हक है, आज मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन इतना हक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कठोर बनना पड़ेगा और इन देशद्रोहियों को बाहर निकालना ही पड़ेगा, इनको
सर आप क्या प्रोफेशन क्या जी? मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है, इस समय मैं आम आदमी की तरफ से बोल रहा हूँ। अगर मैं बोलूँगा मैं क्या हूँ तो फिर बहुत बड़ा बन जाएगा। थैंक यू। आर्मी, अगर देश के आर्मी रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिपिन रावत साहब, अगर बिपिन रावत साहब ने बोल दिया कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, यही तो बोल रहे हैं। क्या बोले कि बीजेपी को वोट दो कि हद में रहना चाहिए? और उस ओवैसी की क्या औकात, ओवैसी की क्या औकात? अरे आर्मी के पैरों के धूल के बराबर ओवैसी नहीं है। मुंह देखा है सर? मुंह ऐसा कुत्ता भी नहीं चाटे। वो रिप्रेजेंट करता है मुसलमानों को, ठेकेदार बना है मुसलमानों का। वो हैदराबाद से बाहर निकल के एक बार सड़क पे घूम ले, लोग उसकी औकात बता देंगे कि वो है क्या। आर्मी ने क्या बोला था? हिंसा मत कीजिए, लोगों को रिप्रेजेंट करता है। देश में कितने ऐसे युवा हैं जो आर्मी को अपना आइडल मानते हैं और उसी को रिप्रेजेंट करते हैं बिपिन रावत साहब। उन्होंने बोला हिंसा करना गलत बात है। क्या पता, हो सकता है कि प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो वजीर आजम है, इनकी बातें नहीं फॉलो करता हो। क्या पता बिपिन रावत साहब की बातें मान के लोगों अपना हिंसा छोड़ दें, तो उसमें हद गया। आइए, दिल्ली का एक शीला दीक्षित का नापुत्र बेटा संदीप दीक्षित क्या बोला आर्मी के बारे में आज फिर से, कि अपने हद के बारे में रहना चाहिए। ये भी बोला है आज, ये भी भौंका है आज। ये गवार लोग हैं, इनको ये शिक्षा लिए हैं, लेकिन वाह वाह करके, वाह 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 करके। अरे शिक्षा लेना है तो बिहार जाइए, यूपी के बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पे जाइए। या हिंदी भाषी से बाहर निकल के आते हैं उनसे, ये कहाँ, इसकी बेटी उधर बाहर पढ़ती है। किया जा रहा है, बोले जा रहा है आर्मी के बारे में। आर्मी पवित्र चीज़ है, उस पर कोई लांछन नहीं लगाए, देश को रिप्रेजेंट करता है आर्मी। और ये जैसे मैंने आपको बोला, कितना बार चैनल में माध्यम से बोल दिया, इसका मान ओवैसी का मानसिक रूप से इसका तबीयत खराब है। लोग पैसा डोनेशन इकट्ठा करे, इसका इलाज करवाए आगरा हैदराबाद से लेके। ममता बनर्जी कहती है कि पश्चिम बंगाल में एनआरसी और सीएए को लागू नहीं होने देंगी। देश के वजीर आजम के बारे में ममता बनर्जी ने क्या कहा था? छी 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 छी। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, ममता बनर्जी आथू, ममता बनर्जी आथू, ममता बनर्जी आथू। मैं बोलूंगा, अगर वो सोचती है कि मैं डाल डाल, तो मैं पात पात। क्या देश से अलग है? देश से अलग है पश्चिम बंगाल, उसका मन चलेगा? आप वोट परसेंटेज उठा के देखिए, प्रीवियस जो चुनाव हुआ था वहां विधानसभा का, सारा बांग्लादेशियों ने इसको वोट दिया है। और जानती है कि जो ऑक्सीजन बांग्लादेश के मुसलमानों से मिल रहा है, वो कनेक्शन कट जाएगा और वो गिर जाएगी, पगला जाएगी, करते रहेगी। आपने विधायकों के साथ पीछे पीछे काका छी छी काका छी छी, ये कौन है नाटक? तो हम कर रहे हैं, ममता बनर्जी आथू, ममता बनर्जी आथू। अगर वो सोच रही है कि मैं स्लोगन बना सकती हूँ, गलत फहमी में है। देश के वजीर आजम के जो यहाँ पे समर्थक है, अगर वो डाल डाल चल रही है, तो हम लोग पात पात चलेंगे। क्योंकि हम रहे या नहीं रहे, देश रहना चाहिए। अब वो चाहती है कि वहाँ की मालकिन बन जाए, गलत है वो। जब वो सत्ता में थी, इन घुसपैठियों का विरोध करा करती थी। उसको समझना चाहिए, वो समझना चाहिए। केजरीवाल जो दंगाई है, उन्हें 5-5 लाख रुपए और गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं। वहाँ यूपी में योगी सरकार जो दंगाई है, उनकी संपत्ति है जो जब्त कर रही है, क्या कहना चाहोगे? देखिए देखिए, अब्राहम लिंकन ने कहा था उन्होंने कि अगर सत्ता में इतनी गर्मी है कि इसका रिएक्शन बहुत गलत जाता है। योगी जी कितना साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे गोरखपुर के, उनको एक्सपीरियंस है कि संवैधानिक पद पर रह के किसको क्या करना है, किसको नहीं करना है। और इस आदमी को क्या पता है, अभी मिल गया सत्ता, लगा है बात। ये नया नहीं है, ये बलात्कारियों को सिलाई मशीन दे चुका है, ये दंगाई। अब मुझे तो डर है कि पाकिस्तान कोई मुर्दाबाद बोलेगा तो उसको भी रिवॉर्ड देगा ये आदमी। आईएसआई का एजेंट है आदमी, ये अर्बन नक्सल देश के वजीर आजम बोलते हैं ना, उसका मुखिया है ये, मुखिया है ये। अपने बच्चों का झूठा कसम खाया, ये क्या, जो अपना ईमान, अब जो अपने गुरु को बेच दिया, जो गुरु को बेच दिया अन्ना हजारे को, वो देश कभी बेच सकता है?